हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 5 अपकमिंग बाइक इन बजाज सीरीज। इस वीडियो के अंदर आपको दो सेगमेंट की बाइक देखने को मिलेगा। 125 सेगमेंट पे दो बाइक है एंड 250 सेगमेंट पे 3 बाइक है। दोस्तों ये सारे बाइक जो अभी अपकमिंग पे है, इंडियन मार्केट पे बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला। अगर कोविड-19 की सिचुएशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है तो, नहीं तो आपको 2022 पे ये सारे बाइक जो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना। 17K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, जल्दी से 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फाइनली इंडिया में 125F बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। एंड ये बाइक इंडिया में क्यों आ रहा है दोस्तों, आपको पता ही होगा 125F जो नियॉन था एंड 125 जो स्प्लिट शीट वर्सन था, ये दोनों बाइक जो मार्केट पर काफी सारा बिक गया एंड काफी डिमांड है। 125 अगर आता F मॉडल के रूप में तो काफी लोग इसको ले सकता था, क्योंकि 180 एंड 220F के प्राइस थोड़ी सी हाई है। इस बात को नजर रखते हुए जो पल्सर 220F लवर है एंड 180 लवर है, उन लोगों के लिए 125F आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसके प्राइस बहुत ही कम होने वाला है। एंड इस बाइक पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है वो तो आपको वीडियो के अंदर पता चल ही जाएगा। जैसे कि इस बाइक की इंजन होने वाला है 124.5 cc एंड मैक्सिमम पावर की अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पर 11.64 bhp की पावर देखने को मिल जाता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पर 10.8 Nm की टॉर्क मिलने वाला है 8000 rpm के साथ। एंड आपको इस बाइक पर फ्यूल टैंक मिलने वाला है दोस्तों 15 लीटर की, यानी कि आप लोग समझ सकते हो आपको 220F, 180F, 150 पर जो फ्यूल टैंक आता है वही आपको यहाँ पर भी फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट की अगर बात करें तो आपको फ्रंट पर जो है 260mm की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो आएगा आपको 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ। एंड टायर की अगर बात करें तो फ्रंट पर आपको 90x90 सेक्शन की MRF की टायर देखने को मिल जाएगा। रियर पर आपको ड्रम एंड डिस्क दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहो तो ड्रम ब्रेक ले सकते हो या फिर डिस्क ब्रेक ले सकते हो। अगर ड्रम ब्रेक लेते हो तो 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा एंड डिस्क ब्रेक अगर आप लेते हो तो 230mm के डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। बाइक पर आपको सिंगल चाइल्ड ABS देखने को मिल सकते हैं या पर नहीं भी मिल सकते हैं दोस्तों, और बाइक पर FI भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए बाइक की जो माइलेज होने वाला है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप सोच लीजिए सिटी के अंदर आपको माइलेज मिलने वाला है 48 से 50 तक। एंड आप अगर बाइक को हाईवे पे ले जाते हो तो आपको हाईवे पे बाइक की माइलेज मिल जाएगा दोस्तों 52 से 55 तक। माइलेज के मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगा इस बाइक पर। एंड बाइक पर आपको कोई भी ऑयल कूलिंग देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर एयर कूल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस 125 पल्सर F की अगर टोटल वेट की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर 145 से 148 तक जो है लगभग वेट देखने को मिल जाएगा, जो अभी तक जो खुलासा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि 148 तक जो है वेट हो सकता है। एंड इसके अगर हेडलैम्प की बात किया जाए तो आपको वही पुराना वाला हैलोजिन हेडलैम्प मिल रहा है। एंड इंडिकेटर्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको वही हैलोजिन इंडिकेटर्स, 4 इंडिकेटर्स जो हैलोजिन में ही आपको मिलेगा दोस्तों। एंड टेल लैम्प आपको LED के साथ ही आएगा एंड वही आपको पुराना वाला फेयरिंग के साथ ही बाइक आपको नजर आएगा। आपको 220F एंड 180F पर जो भी मीटर मिल जाता है वही स्पीडोमीटर आपको 125F पर भी देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों बाइक के अगर कंफर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा एंड रियर पर आपको गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा जो एडजस्टेबल रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इस बाइक की अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो आपको यहाँ पर सेल्फ एंड किक दोनों के ऑप्शन मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। एंड इस बाइक पर आपको स्प्लिट शीट के ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड दोस्तों इस बाइक के अगर कलर की बात किया जाता है आपको यहाँ पर ग्रे विथ ऑरेंज एंड ग्रे विथ नियॉन एंड ब्लैक विथ रेड कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अट्रैक्टिव होने वाला है। एंड फाइनली इस बाइक की अगर ऑन रोड प्राइस के बारे में बात की जाए तो आपको इस बाइक पर ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,20,000 से लेकर 1,22,000 रुपीज के आसपास दोस्तों। सो दोस्तों इंडियन मार्केट पर बहुत ही जल्दी डोमिनर 125 आ रहा है KTM ड्यूक 125 को टक्कर देने के लिए। तो डोमिनर 125 की अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको USD फोक्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हर एक मिड रेंज राइडर का चाहत रहता है कि उसकी बाइक में USD फोक्स हो, सो आपको इस डोमिनर 125 पर 43mm की USD फोक्स देखने को मिल जाएगा। एंड रियर पर सीट हाइट को एडजस्ट करने के लिए आपको जो है मोनोक्रॉस एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल सकता है। इस बाइक के अगर अलॉय व्हील के बारे में बात किया जाए तो दोनों साइड पर यानी कि फ्रंट एंड रियर पर आपको जो 17 इंचेस अलॉय व्हील मिल जाएगा एंड 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ फ्रंट पर आपको 110x90 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएगा, जो MRF की ओर से आएगा। एंड रियर पर आपको 130x70 सेक्शन के टायर मिल जाएगा, जो MRF की ओर से आएगा। जैसे कि 400 डोमिनर पर आपको टायर साइज थोड़ी सी ज्यादा मिल जाते हैं, बट 250 जो डोमिनर आता है उससे जो टायर साइज थोड़ी सी
कम हो जाता है। सो आपको यहाँ पर 130/70 के टायर देखने को मिल जाएगा रियर पर। एंड इस बाइक की अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो आपको फ्रंट पर 300mm के डिस्प्ले मिल जाएगा एंड रियर पर 230mm के डिस्प्ले मिल जाएगा। बट इस बाइक पर आपको सिंगल चैनल ABS मिल रहा है दोस्तों, जैसे KTM ड्यूक 125 पर सिंगल चैनल ABS है, वही ABS आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है एंड रियर पर आपको कोई भी ABS नहीं मिलेगा। एंड इस डोमिनार 125 की इंजन के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पर 124.5cc इंजन मिल रहा है जो वर्किंग होगा 14.5 BHP पावर के साथ। एंड आपको यहाँ पर FI के साथ सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन भी मिल सकता है दोस्तों। एंड इस बाइक पर आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल सकता है। एंड इस बाइक की अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 13 लीटर की फ्यूल टैंक मिल रहा है एंड टोटल वेट की अगर इस बाइक की बात की जाए तो वही आपको 250 एंड 400 डोमिनर की तरह यहाँ पर भी 180 kg के साथ ही आता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप जब एक 125 बाइक ले रहे हो तो आप डेफिनेटली उस बाइक पर माइलेज कितना मिल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। सो आपको इस बाइक पर सिटी के अंदर 35 से 40 तक इजिली माइलेज मिल जाएगा। एंड आप अगर इस बाइक को लेकर हाईवे पे जाते हो तो आपको जो माइलेज मिल जाएगा 45 से 48 तक माइलेज इजीली आपको मिल जाएगा। फ्रंट पर आपको 400 डोमिनर एंड 250 डोमिनर की तरह ही LED हेडलैम्प मिल रहा है जो नाइट पर बहुत ज्यादा विजिबिलिटी आपको दे देती है। एंड रियर पर आपको बहुत ही आई कैची अट्रैक्टिव LED टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा जो कि दूर से नजर आता है कि कोई डोमिनर ही आ रहा है दोस्तों। एंड इस बाइक पर चारों इंडिकेटर्स आपको LED मिल रहा है एंड हैजर्ड लाइट का भी ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। डोमिनार को जाना जाता है उसके हेडलैम्प के लिए, इंडिकेटर्स के लिए एंड इसके पावर के लिए। सो दोस्तों आपको वही सब कुछ मिल रहा है जैसे कि 250 और 400 डोमिनार के साथ आता है, वही सब कुछ आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, खाली यहाँ पर सीसी थोड़ी सी कम है दोस्तों। सो इस बाइक की अगर ऑन रोड प्राइस के बारे में बात किया जाए तो आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा लगभग 150,000 रुपीज के आसपास। सो दोस्तों आप अगर सोच रहे हो कि इस बाइक की प्राइस थोड़ी सी हाई है तो आप गलत हो, क्योंकि आपको देख लेना चाहिए कि इस बाइक पर आपको क्या क्या मिल रहा है। जैसे कि अदर बाइक की अगर कंपेरिजन हो इस बाइक से तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना चाहिए यहाँ पर आपको USD फोक्स मिल रहा है, एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिल रहा है, फ्रंट पर आपको 300mm के डिस्प्ले मिल रहा है, ABS मिल रहा है। सो और क्या चाहिए दोस्तों। सो इसका जो भी प्राइस है वो अपनी जगह सही है। RS 250 का कुछ लीक फोटोज आया है जिससे कंफर्म हो जाता है कि RS 250 मार्केट पर लॉन्च डेफिनेटली होगा। NS RS एंड पल्सर सीरीज की जितना भी बाइक हो मार्केट पर बहुत ज्यादा सेल होता है दोस्तों। बजाज ने इसलिए सोचा कि इन तीनों सीरीज की बाइक को और भी ज्यादा एक्सपैंड किया जाए, इसलिए RS 200 से डायरेक्टली 250 लॉन्च होने जा रहा है। 200 पहले ही हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद था इसकी अग्रेसिव लुक एंड पावर की वजह से। तो अब लोग एक बार सोच के देखो, ये बाइक 250cc में आने वाला है। सो इसका पावर एंड इसका लुक सब कुछ बदल गया दोस्तों। न्यू RS 250 की परफॉर्मेंस एंड पावर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 247.77 cc इंजन के साथ 27 BHP की पावर देखने को मिल जाता है। 23.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करते 8500 के साथ। ऑब्वियसली बाइक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक के साथ आता है एंड लिक्विड कूलिंग के ऑप्शन आपको फिर से मिल रहा है दोस्तों। एंड दोस्तों इस बाइक की सबसे मेजर जो चेंजेस हुआ है दोस्तों, USD फोक्स आपको फ्रंट पर 43mm का USD फोक्स एंड रियर पर आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है दोस्तों। एडजस्टेबल होने की वजह से आप सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हो एंड इसका लुक भी काफी बदल चुका है। आप लोग देख सकते हो पीछे के जो बैक कवर है दोस्तों वो डोमिनेट 250 से काफी रिलेट करता है। एंड फ्रंट मडगट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिशिंग के साथ आता है एंड ड्यूक 250 की जो फ्रंट मडगट आते हैं उससे काफी रिलेट करता है RS 250 की न्यू मडगट। एंड RS 250 आने वाला है दोस्तों डुअल चैनल ABS के साथ। फ्रंट पर आपको 300mm डिस्प्ले के साथ जो है ABS मिल रहा है एंड रियर पर आपको 230mm डिस्प्ले के साथ जो है ABS मिल रहा है दोस्तों। एंड टायर साइज की अगर बात किया जाए तो फ्रंट पर आपको 100/80 सेक्शन का टायर एंड रियर पर आपको 140/70 के टायर देखने को मिल रहा है दोस्तों। पहले क्या होता था 130/70 का टायर आता था, बट जो अब हो गया दोस्तों 250 होने की वजह से 140/70 के टायर, जो काफी पसंद आने वाला है यंगस्टर को। एंड दोस्तों इसकी मीटर की अगर बात किया जाए तो एज कम्पेयर टू RS 200 मीटर काफी ज्यादा अपडेट हो गया है। इस मीटर पर आपको गियर शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है, लो फ्यूल इंडिकेटर्स, बैटरी इंडिकेटर्स और भी काफी सारे ऑप्शन आपको इस न्यू मीटर पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड बाइक की जो चारों इंडिकेटर्स है दोस्तों एंड फ्रंट की हेडलैम्प LED के साथ मिल रहा है। एंड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की इस बाइक का प्राइस क्या होने वाला है। देखो एक शोरूम प्राइस तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ, ऑन रोड प्राइस तो अभी तक रिवील नहीं हुआ। सो एक शोरूम प्राइस आपको मिल रहा है 1,65,000 के अंदर, आपको इसका एक शोरूम प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड इस बाइक की अगर माइलेज की बात किया जाए तो 35 तक आपको माइलेज मिल रहा है जो कंपनी क्लेम कर रहा है। एंड टॉप स्पीड की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये बाइक जो 250cc में आने वाला है, सो कंपनी क्लेम कर रहे 145 तक, बट मुझे लगता है कि ये बाइक 175 से भी ऊपर जाने वाला है क्योंकि NS 200 ही ठीक ठाक आपको 160 तक ले चलता है। तो ये RS 250 है यार एंड पावरफुल मशीन
ऑप्शन के साथ ऑब्वियसली आता है। सो 175 तो फीचर 250 का कुछ फोटोज लीक हुआ था जिससे कंफर्म हो जाता है इंडियन मार्केट पे पल्सर 250 बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। सो आप अगर सोच रहे हो कि बजट सीरीज की कोई भी बाइक लेना, तो मेरा ओपिनियन है कि आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए, क्योंकि NS 250, RS 250 और पल्सर 250 एफ बहुत जल्दी इंडियन मार्केट पे आने वाला लगता है। तो बजट पल्सर 250 एफ का अगर इंजन की बात किया जाए, तो यहाँ पर आपको 245.5 सीसी इंजन के साथ आपको 25 बीएचपी के पावर देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो 20.5 न्यूटन टॉर्क जनरेट करते 8000 आरपीएम के साथ। एंड बाइक पर आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, फोर वाल्व, लिक्विड कूलिंग के ऑप्शन मिल रहा है। 220 पर क्या होता था, जब आपको ऑयल कूलिंग का ऑप्शन मिल रहा था, बट यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। एंड दोस्तों फ्रंट सेट की अगर बात किया जाए, तो ये बाइक पर आपको यूएसडी फोक्स देखने को मिल रहा है। पहले वाला जो था टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, उसको बदल के यहाँ पर 43mm का यूएसडी फोक्स इंस्टॉल हो गया है। एंड फ्रंट सेट की अगर बात किया जाए, तो बाइक ऑब्वियसली डुअल चैनल के साथ आता है। एंड फ्रंट पर आपको 300mm के डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टायर साइज की अगर बात किया जाए इस बाइक का, तो फ्रंट पर आपको 100x86 का टायर एंड रियर पर आपको 130x70 का टायर मिल रहा है MRF की ओर से। दोनों अलॉयली 17 इंच के साथ आते हैं। एंड फ्रंट पर आपको 300mm डिस्प्ले एंड रियर पर आपको 230mm डिस्प्ले के साथ मिल रहा है दोस्तों। पहले क्या होता था, 220 एफ पर आपको फ्रंट की टायर भी स्मॉल मिलता था एंड रियर की टायर भी बहुत ज़्यादा छोटा देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पर आपको 130x70 का टायर मिल रहा है। 220 पर क्या होता था, 80x120 का टायर आता था, उसको बदल के यहाँ पर 130x70 का टायर इंस्टॉल हो गया, जो पीछे देखने में काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलर लगेगा दोस्तों इस बाइक को। एंड इस बाइक की अगर माइलेज की बात किया जाए, तो 220 पर माइलेज देता था 35-45 किलोमीटर ऑन रोड। सो यहाँ पर आपको माइलेज भी मिल जाएगा 35-40 तक। आप अगर हाईवे पे बाइक को लेके जाते हो, तो 40 तक माइलेज मिल जाएगा। एंड आप अगर सिटी के अंदर राइड करते हो इस बाइक को लेके, तो डेफिनेटली आपको 35 तक माइलेज मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस की अगर बात किया जाए, तो ऑन रोड प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन प्राइस अब मैं आपको बताता हूँ, 180,000 से 90,000 तक आपको ये बाइक मिल सकता है। तो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ NS 200 नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जैसे कि हम लोग को पता है, NS 200 मार्केट पर आया था 2014 पर, तब से यह बाइक कुछ दिनों के लिए डिसकंटिन्यू हो गया था, बट उसके बाद रीलॉन्च हुआ न्यू कलर ऑप्शन, न्यू ग्राफिक्स के साथ। बट बाइक कुछ खास नहीं आया, वही हमको पुराने वाला ही मिल रहा था। अभी जो 2021 चल रहा है, अभी तक इस बाइक पर कोई भी मेजर अपडेट नहीं हुआ है, BS4 से BS6 पर अपग्रेड हो गया है। बट मार्केट पर इसका सेल कभी डाउन नहीं हुआ। इस बाइक को सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसकी परफॉर्मेंस, माइलेज एंड इसकी लुक की वजह से। इसी बात को नजर रखते बजाज वालों इसका नेक्स्ट जनरेशन बाइक लाने जा रहे, जो फ्यूचर में आएगा बहुत जल्दी। एंड आपको पता ही होगा 250 RS आ रहा है मार्केट पर, 250 एफ आ रहा है पल्सर की ओर से। वो सारे वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा लिंक, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो बजाज सीरीज की अपकमिंग बाइक में से आपको RS 250, बजाज पल्सर 250 एफ नजर आ जाएगा। उसी तरह से आपको NS 250 भी बहुत जल्दी इंडियन मार्केट पर लॉन्च होने जा रहे हैं। NS 250 अगर मार्केट पर आते, तो क्या क्या चेंजेस आपको मिल जाएगा, सो ये वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है। सो इंजन की अगर बात किया जाए, NS 250 एज कंपेयर टू NS 200 7.7 cc का इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड NS 200 पर आता था 199.5 cc का इंजन, बट यहाँ पर आपको 247.7 cc का इंजन देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड पावर की बात किया जाए, BHP की अगर बात किया जाए, 27 BHP के पावर देखने को मिल रहा है दोस्तों। NS 200 पर आता था 24.5 BHP, यहाँ पर आपको 27 BHP के पावर मिल रहा है। एंड टॉर्क की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर आपको 8500 RPM के साथ आपको 23 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, फोर वाल्व, लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। NS 200 पर भी आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिल रहा था, 250 NS पर भी आपको लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कंफर्ट की अगर बात किया जाए, तो पहले वाला NS 200 पर आता था टेलीस्कोपिक एंड मोनोशॉक सस्पेंशन, बट यहाँ पर आपको USD फोक्स मिल रहा है, जो 43mm का होगा। एंड रियर पर आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होने की वजह से आपका हाइट चाहे कम या फिर ज्यादा हो, आप अपनी सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड बाइक ऑब्वियसली डुअल चैनल ABS के साथ आता है। फ्रंट पर आपको 300mm डिस्प्ले एंड रियर पर आपको 230mm डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एंड टायर साइज की अगर बात किया जाए, तो फ्रंट पर आपको 100x96 का टायर एंड रियर पर आपको 140x70 का टायर देखने को मिलेगा। पहले वाला NS 200 पर 130x70 का टायर आता था, तो इस वाली NS 250 पर आपको 130x70 का टायर मिल रहा है। एंड फुल बॉडी की अगर बात करें, तो काफी चेंजेस नजर आ जाएगा आपको। जैसे कि बैक कावल काफी ज्यादा शार्प होने वाला है, फ्रंट की जो कावल है साइड की ओर से वो काफी ज्यादा शार्प होने वाला है। एंड हेडलैम्प के साथ भी आपको काफी चेंजेस नजर आ जाएगा। पहले वाला NS 200 पर आता था हैलोजन हेडलैम्प, यहाँ पर आपको फुल्ली LED सेटअप मिल जाएगा। जैसे कि चारों इंडिकेटर्स आपको LED मिलेगा, फ्रंट हेडलैम्प आपको LED मिलेगा। मीटर की अगर बात किया जाए, तो NS 200 पर आता था डिजिटल एंड एनालॉग मीटर, बट NS 250 पर फुल्ली डिजिटल मीटर के साथ आएगा। एंड यहाँ पर आप
गियर शिफ्टिंग भी देख सकते हो, लो फ्यूल इंडिकेटर्स भी देख सकते हो, डेट टाइम जो पहले था उससे काफी अपडेट हो गया मीटर। एंड इस बाइक पर आपको ब्लूटूथ के ऑप्शन भी मिल सकता है, क्योंकि इसका कंपेटिटिव जो बाइक है Apache 204B उसमें ब्लूटूथ के ऑप्शन मिलते हैं, जिससे थ्रू आप फोन को अपनी बाइक से कनेक्ट कर सकते हो। एंड इस बाइक पर आपको 3 मोड भी देखने को मिल सकते हैं, अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट्स मोड। एंड इस बाइक को लेकर अगर आप सिटी के अंदर राइड करते हो तो डेफिनेटली आपको 30 तक माइलेज मिल सकता है। एंड इस बाइक को लेकर अगर आप हाईवे पर राइड करते हो तो डेफिनेटली आपको 30 से 40 तक माइलेज मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस की अगर बात की जाए इस बाइक का, तो आपको इस बाइक के लिए ऑन रोड प्राइस 2 लाख के आसपास देखने को मिल सकता है। मैंने एक एक्सपेक्टेशन प्राइस बता दी, शायद इसका कम या फिर ज्यादा हो सकता है, आपका सिटी वाइज प्राइस थोड़ी सी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना, 17 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो गया, जल्दी से 20 के सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।